नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। आज का दिन बताना चाहेंगे आपको एनुअल नेशनल पुलिस डे, और जिसके चलते कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और बताएंगे कार्यक्रम जो पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल रे रेड कॉम्प्लेक्स और गुलशन ग्राउंड में जो कि कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पुलिस के आला अधिकारियों ने पार्टिसिपेशन की, और साथ ही साथ जो कि सियासी लोगों ने भी, यानी कि बात करें अगर भाजपा के नेताओं ने भी उसमें शिरकत की। और आज का दिन अगर बताना चाहेंगे, उन वीर शहीद जवानों को याद किया जाता है, और हमेशा आज ही नहीं बल्कि हर दिन उन्हें याद किया जाता है, जिन्होंने सरहदों पर खड़े होकर आतंक बाद से लड़ते लड़ते अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और इस समय जो बताएंगे हम कार्यक्रम की पूरी आपको झलकियां बताएंगे कि पुलिस के आला अधिकारी किस कदर अपने वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, मान सम्मान उन्हें दे रहे हैं। और साथ ही साथ जो कि रविंद्र राणा है वो भी इस उपलक्ष्य में पहुंचे, उन्हें अपने वीर जवानों को जिन्होंने देश की रक्षा करने में जरा भी संकोच नहीं दिया, अपने प्राणों की आहुति में, उसी के चलते एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन दोनों कार्यक्रमों की झलकियां हम आप तक ला रहे हैं, और फिलहाल ये कहेंगे, हम भी कहेंगे पूरे देशवासियों से कि अपने उन वीर जवानों को दिल से श्रद्धांजलि दीजिए। ये कहें कि जितने भी हमारे पुलिस पर्सनल, इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो शहादत यानी वीर गति को प्राप्त हो गया, हमें उन्हें हर दिन याद करना चाहिए, उनकी कुर्बानी को याद करना चाहिए, जिनके बदौलत हम अपने घरों में चैन और सुरक्षित नींद सोते हैं, उन्हीं की वजह से। चलिए आइए दिखाते हैं आपको आज की झलकियाँ।
जीएम मलाथेश अबू बकर बासवराज गुलशनवार प्रसाद एस पंडित कसार केरला कांस्टेबल श्री बालू मध्य प्रदेश इंस्पेक्टर केएल राठौर प्रसाद कांस्टेबल अजय कुमार कांस्टेबल राम जतन राय कांस्टेबल संदीप तमंग ड्राइवर कांस्टेबल पवन कुमार प्रसाद छत्तीसगढ़ हेड कांस्टेबल असिस्टेंट कांस्टेबल गोपाल कटती गोवा कांस्टेबल विश्वास डेकर कांस्टेबल शैलेश गांवकर गुजरात कांस्टेबल मनसुख कवा भाई बल्दिया कांस्टेबल्स केरा अमर सिंह गोर्धन सिंह राजपूत हरियाणा डीवाईएसपी सुरेंद्र सिंह कांस्टेबल संदीप कुमार हिमाचल प्रदेश कांस्टेबल शुभम कांस्टेबल शंकर नायक कर्नाटक पीएसआई अविनाश के एएसआई मंजुनाथ एएसआई राजू एएसआई सदाशिव तब से हर साल 21 अक्टूबर संपूर्ण देश में पुलिस शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2006 में केंद्रीय सरकार ने इस दिन को और भी ज्यादा महत्व देते हुए इसका नाम राष्ट्रीय पुलिस दिवस रखा और इस दिन को सारे देश में उन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। गत वर्ष जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 37 पुलिसकर्मी एक औद्योगिक सुरक्षा बल व 3 केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल के जवानों ने अपनी कीमती जान को देश व देश की जनता की सुरक्षा के लिए न्योछावर कर दिया, जबकि पूरे देश में पिछले एक साल में 264 पुलिसकर्मी व केंद्र बलों के जवानों ने अपनी बहुमूल्य जान देश व देश की सुरक्षा के लिए न्योछावर कर दी। आज 21 अक्टूबर को हम फिर से एक बार उन सारे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए जिन्होंने पिछले एक साल में और उससे पहले भी
देश और देश की जनता की सुरक्षा के लिए अपने जान को न्योछावर कर दिया। इन शहीदों का संबंध जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा दूसरी केंद्रीय पुलिस बलों व अर्धसैनिक बलों जैसे कि सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इंडो तिब्बतन सीमा पुलिस, स्पेशल सुरक्षा ब्यूरो से है, जो कि सब एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर आखिरी दम तक लड़ते हुए शहीद हुए। मुझे इस बात की खुशी है कि आज के इस स्मरण दिवस पर हमारे साथ इस राज्य के आदरणीय सांसदगण, नेतागण, जिला विकास परिषद, प्रखंड विकास परिषद, शहरीगण, हमारे सेवानिवृत्त साथी व मीडिया संबंधित साथीगण भी शमूलियत कर रहे हैं कि जिन सिद्धांतों व उद्देश्यों के लिए हमारे शहीदों ने अपनी जानों की आहुति दी है, हम उन सिद्धांतों का हमेशा अनुसरण करते रहेंगे। और मैं यह उम्मीद करता हूँ कि जनता पुलिस के इस नेक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग प्रदान करेगी। अब मैं उन सब शहीदों के नाम पढ़कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूँगा जिन्होंने गत वर्ष में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपने बहुमूल्य जीवन का बलिदान दिया। आंध्र प्रदेश सीआई के ईश्वर राव, हेड कॉन्स्टेबल श्रीनिवास राव मल्ला श्रीहरी, पुलिस कॉन्स्टेबल श्रीनिवास राव, हमने सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा और सालमीत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। 265 वीर जवानों ने जम्मू कश्मीर और दूसरे प्रांतों में आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जानों की कुर्बानी दी है। हम उन सबको सलाम करते हैं। जम्मू कश्मीर में 36 पुलिसकर्मियों ने अपनी बहुमूल्य जानें दी हैं। हम उन सभी जम्मू कश्मीर के शूरवीर जवानों को सलाम करते हैं और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि हमें ऐसी शक्ति और शौर्य और साहस दे ताकि हम आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा